दोपहर का वक्त था। छोटू दादा और लंबू गांव में टहल रहे थे। आए लंबू, मौसम तो बहुत सुहाना है, चिकन तंदूरी खाओगे का? ऐसा वैसा तो कुछ है नहीं छोटू दादा, अब फ्री का तंदूरी चिकन कहाँ मिलेगा? कि अचानक उनकी नजर एक कड़कनाथ मुर्गे पर पड़ी। आए लंबू, ये तो धोनी वाला कड़कनाथ मुर्गा ना है? हाँ छोटू दादा, लग तो वही रहा है। अरे ठंडी का मौसम में चिकन लेग पीस चाबने का मजा ही कुछ और है। अरे तनिक पकड़ो ना इका, आज तंदूरी कड़कनाथ चिकन का मजा ले ही लिया जाए। लेकिन वो मुर्गा बहुत तेजी से गांव के बाहर की तरफ भागने लगा और छोटू और लंबू भी उसका पीछा करने लगे। भागते भागते वो एक जंगल में पहुंच गए और अचानक वो मुर्गा एक जगह रुक गया। अरे ये तो अपने आप ही रुक गया, लगता है थक गवा है, चलो अब दबोच ही लिया जाए। लेकिन तभी वो मुर्गा एक विशाल जिन्न में बदल गया। अभी का बवाल हो गया भाई। बवाल अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, क्योंकि हम तुम दोनों को जिन्न में बदलने वाला है। इंसानों ने हमें गुलाम बनाकर बहुत काम कराए हैं, अब इंसान ही इंसान का गुलाम बनेगा और सारे जिन्न आजाद होंगे। अरे लेकिन तनिक सुनो तो सही। लेकिन जिन ने उनकी एक ना सुनी। झिल मिल रात सुहाना दिन, छोटू लंबू बन जाओ जिन। और वो दोनों जिन्न बनके एक जादुई चिराग घर में कैद हो गए। जो भी इंसान इस जादुई घंटी बजाएगा तुम उसके गुलाम बन जाओगे। इतना कहकर वो जिन्न नए इंसानों को ढूंढने चला गया। थोड़ी देर बाद गब्बर चोर अपने साथियों के साथ उधर से गुजरा। अबे ये जंगल में मंगल कब हो गया, ये घर तो हमने पहले कभी देखा ही नहीं। हाँ सरदार, देखिए इसमें तो एक घंटी भी लगा है। अरे हाँ, चलो घंटी बजा के देखते हैं। अरे कोई है? और तभी छोटू लंबू वहाँ प्रकट हुए। का हुकुम है मेरे आका? अबे ये कौन लोग है? एक तो केला है तो एक चिरौंजी। मालिक हम आपके गुलाम हैं, हुकुम करिए। गुलाम? अरे वाह, तो हमारे साथ हमारे अड्डे पे चलो, हम वहीं हुकुम देंगे। और छोटू लंबू उन चोरों के साथ उनके अड्डे पे पहुँचे। चलो अब हमारे लिए एक आलिशान महल बना के दिखाओ। अच्छा तो तुमका महल चाहिए, अबे दिखाता हूँ तुमका, जो हुकुम मेरे आका। और उन्होंने एक महल बना दिया जो कि उल्टा था। अबा ये कैसा महल है, उल्टा काहे बना दिए, चलो इसको सीधा करो। मालिक आप ये कहाँ बताए कि सीधा बनाना है कि उल्टा, हम एक ही काम बार बार नहीं करते हैं, तनिक ठीक से आर्डर दीजिए। अरे तो चलो इसको गायब कर दो, और ऐसा करो कि गांव का बैंक का तिजोरी यहाँ हाजिर करो। जा हुकुम मेरे आका। और फौरन वहाँ बैंक की तिजोरियाँ प्रकट हो गईं। अरे इसको नीचे उतारो। ये लीजिए। तिजोरियाँ नीचे गिरी और सारे चोर उसके नीचे दब गए। अरे हटाओ इसको, हम तो दब के मर जाएंगे। जी मालिक। और उन्होंने तिजोरियाँ हटा दी। हाँ चलो अब इनका खोल के दिखाओ। उन्होंने जादू से सारी तिजोरियाँ खोल दी। ईका, इसमें तो पैसा ही नहीं है, ये तो सब खाली है। मालिक आप तो तिजोरी ना मंगाए थे, पैसा के बारे में तो बोलबे नहीं किए थे। अबे तुम लोग हमका पागल कर दोगे, रात होने वाला है, अब हम सोने जा रहे हैं, अब सुबह खूब सोच कर आदेश देंगे। जी मालिक। चोरों के सोने के बाद आए लंबू, कुछ जुगत भिड़ाना होगा, नहीं तो हम लोग जिन्न बनकर हुक्में बजाते रह जाएंगे। एक तो आइडिया है छोटू दादा। और लंबू ने छोटू को अपना आइडिया बताया। ये हुआ ना बात, चलो काम पे लगा जाए। और फिर छोटू दादा, जिन्न के सरदार ने बोला था कि अपने मालिक को खूब परेशान करो, बेचारा मालिक इतना दुखी है। हाँ लंबू, लेकिन अगर मालिक हुकुम दे कि जिन्न के सरदार को मार मार के सीधा कर दो तो मालिक का सब काम बन सकता है। लेकिन मालिक ऐसा बोलेंगे तब ना। चोरों का सरदार ये सब सुन रहा था, उसने तुरंत उठकर कहा, सुनो जाओ
जिन्न का सरदार को मार मार के सीधा कर दो। जो हुक्म मेरे आका। और वो दोनों उसी जादुई चिराग घर के पास पहुँचे जहाँ वो जिन्न का सरदार एक पेड़ के नीचे सो रहा था। दोनों ने मिलकर उसकी खूब पिटाई की और वो जिन्न का सरदार डर कर उस जादुई चिराग घर के अंदर छुप गया। उसके छुपते ही लंबू ने वो घंटी बजा दी और वो जिन्न का सरदार उनका गुलाम बन गया। क्या हुक्म है मेरे आका, मैं तो फिर से गुलाम बन गया। तुम चिंता ना करो, हमका इंसान बनाओ, हम तुमका आजाद कर देंगे। सरदार ने छोटू लंबू को इंसान बना दिया और फिर जाओ, आज से तुम आजाद हो, लेकिन अब इंसानों को परेशान न करना। और वो जिन्न का सरदार खुशी खुशी वहाँ से चला गया। और फिर आए लंबू, मौसम तो बहुत सुहाना है, चिकन तंदूरी खाओगे का? मैजिकल गोल्डन लायन। रात के अंधेरे में काशीपुर के पास वाले जंगल में आसमान से एक जलते हुए आग का गोला गिरा। गोले के गिरते ही बहुत बड़ा धमाका हुआ और उसमें से एक शेर बाहर निकला। वो शेर पूरा सोने का था और किसी खास व्यक्ति की तलाश में धरती पर आया था, जिसे ढूंढने के लिए वो गांव की तरफ बढ़ने लगा। वहीं अगले दिन काशीपुर गांव में एक छोटा लड़का जिसका नाम सुरेश था, अपनी भूख मिटाने के लिए भीख मांग रहा था। सुरेश पहले अपने माता पिता के साथ अपने घर में रहता था, वो बहुत खुश थे। सुरेश का चाचा जिसका नाम रंजीत था, वो बहुत लालची और कपटी किस्म का व्यक्ति था और सुरेश के पिता से बहुत जलता था। एक दिन एक्सीडेंट में सुरेश के माता पिता की मृत्यु हो गई। मौके का फायदा उठा के रंजीत चाचा ने उनका घर और जायदाद हथिया लिया और सुरेश को घर से बाहर निकाल दिया। तब से सुरेश भीख मांगकर अपना पेट भरता था और गांव में सड़क के किनारे सोता था। थोड़ी देर बाद जंगल में उसी जगह एक और जलता हुआ गोला गिरा, जिसमें से एक शैतान बाहर आया और गांव की तरफ पड़ने लगा। दूसरी तरफ वो सोने का शेर शहर में चलते चलते उसी जगह पहुंच गया जहां सुरेश सो रहा था। शेर की आहट से सुरेश की नींद खुल गई और उसने देखा कि एक पूरा सोने का शेर उसके सामने खड़ा है। सुरेश बहुत डर गया। तभी शेर बोला, डरो मत, मैं एक मायावी शेर हूँ और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। सुरेश डरते हुए बोला, मदद? मुझसे? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। शेर ने बताया, शैतान लोक का एक बहुत ही खूंखार शैतान मुझे मारना चाहता है। उसे सिर्फ एक ही जादुई तलवार से हराया जा सकता है और वो तलवार सिर्फ तुम ही इस्तेमाल कर सकते हो। मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तुम किसी और से मदद मांग लो। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, तुम्हारे पूर्वज सदियों से उस जादुई तलवार के रक्षक थे और वही उस तलवार को इस्तेमाल कर सकते थे। तुम में भी अपने पूर्वजों का खून है, तुम ही उस तलवार का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मुझे उस तलवार के पास ले चलो, हम मिलकर उस शैतान को खत्म करेंगे। थोड़ी देर बाद दोनों एक प्राचीन गुफा में पहुंच जाते हैं। उस गुफा में वो जादुई तलवार रखी होती है। सुरेश आगे बढ़ता है और उस तलवार को दोनों हाथों से उठा लेता है। तलवार को लेकर दोनों जंगल के रास्ते वापस गांव की तरफ जा रहे होते हैं, तभी वहां वो खूंखार शैतान पहुंच जाता है और शेर पर हमला करने लगता है। ये देखकर सुरेश उस शैतान पर जादुई तलवार की शक्ति को इस्तेमाल कर देता है और वो शैतान वहीं ढेर हो जाता है। बाद में सुरेश और शेर गांव वापस पहुंच जाते हैं। शेर सुरेश से कहता है, तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी मदद की, अब इसके बदले में तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें जब भी और जितना भी पैसा या सोने की जरूरत हो, मैं तुम्हें दूंगा। शेर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और बहुत सारे पैसे अचानक से सुरेश के सामने आ जाते हैं। इतने सारे पैसों को देखकर सुरेश बहुत खुश हो जाता है। कुछ ही दिनों में उस शेर के दिए हुए पैसों और जादुई तलवार की शक्ति से सुरेश एक बहुत बड़ा और आलीशान घर खरीद लेता है और बहुत अमीर बन जाता है।